हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम तो बस देखने जा रहे हैं जेई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से है, यानी कि SHM से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, A simple pendulum of mass m swings with maximum angular displacement of 60 degree. When its angular displacement is 30 degrees, the tension in the string is. Options हमारे पास है less than mg cos 30 degree, equal to mg cos 30, greater than mg cos 30 or 0. और यहाँ पर हमारा जो correct answer है वो है option number 3, that is greater than mg cos 30 degree. अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे, और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, देख लेते हैं आज के वीडियो में बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो डिटेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है उनको हम लिख लेते हैं, और जो हमसे क्वेश्चन है पूछा गया है उसको लिख लेते हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा भी है एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसके हमारे पास दो स्टेजेस दे रखी हैं। पहली स्टेज क्या है कि वो अपने मैक्सिमम यहाँ पर वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से अपना मोशन कर रही है, और यहाँ पर इसकी वॉब है, ठीक है, ये वॉब है, और यहाँ पर इसका मास लेट्स से एम है, और यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री बना रही है, और ये लेंथ है हमारे पास लेट्स से कैपिटल एल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो मैक्सिमम एंगल था, तो थीटा यहाँ पर मैक्सिमम है। अब क्या हुआ, अब इसी ने क्या किया, अपना जो एंगल है वो कम कर लिया ऑसिलेशन के दौरान। अब इसका जो एंगल है वो कितना है, वो एंगल इसका 30 डिग्रीज, कितना है 30 डिग्रीज वर्टिकल के साथ, ये है हमारे पास 30 डिग्रीज, लेंथ अभी भी कितनी है एल है, ठीक है, और ये मास एम है, और ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है। तो अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भैया जो टेंशन होगी, जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है लेट से वो टी होगी, इसमें बैकवर्ड जाएगी, और यहाँ पर जो टेंशन होगी लेट से वो टी डैश है, तो जो टी और टी डैश है वो टी डैश हमारे पास कितना होगा, मतलब कि उसका क्या एक आइडिया पूछा गया है भैया, टी डैश कितना होगा, ज्यादा होगा एम डी कॉस 30 से, कम होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर जीरो होगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेक कर लेते हैं कि टी डैश हमारे पास क्या होगा। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, या बस यहाँ पर क्या है, इसमें टेंशन लग रही है टी लग रही है, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा, ये क्या होगा मेरे पास टी कॉस 60 डिग्री, ये तो बस किसका हो गया टेंशन का, ठीक है, टेंशन का कंपोनेंट। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो देखिए लेंथ एल है ना, ये हमारे पास किसमें एक यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पे है, तो अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो लेंथ मेरे पास कितनी होगी एल कॉस 60 डिग्री, और अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो एल साइन 60 डिग्री, वो हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ वर्टिकली अभी देखना है, हम उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बस हो जाएगा मेरे पास एल कॉस 30 डिग्रीज और टी डैश कॉस 30 डिग्री, समझ आ गया, मैंने वर्टिकल कंपोनेंट किया है बस, अभी ये वाला कंपोनेंट आप इसको जब करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा एल साइन 30 और टी डैश साइन 30, वो हमें लिखना ही रहे हैं क्योंकि उसके हमें जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो ये बस क्या है, इसकी सबसे मिनिमम पोजिशन है कि यहाँ पर बस जो है ये जो बॉब है यहाँ पर आएगी, इसकी मेन पोजीशन है, इसके अबाउट ये इधर 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 जा रही है, इसमें भी देखिए तो ये वाली में पोजीशन है इधर से, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, इस तरह से बॉब चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो हम इस हाइट को निकाल लेते हैं, पूरी हाइट है कितनी, तो अगर इस हाइट को मैं लेट से कुछ लेट से यहाँ पर कैपिटल एच लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो हाइट है वो लेट से उसको स्मॉल एच कर देता हूँ, तो यहाँ से जो कैपिटल एच मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है एल कॉस 60 डिग्री, दैट इज हो गया मेरे पास एल अपॉन 2, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो स्मॉल एच मेरे पास आ रही है एल कॉस 30 डिग्रीज, दैट इज मेरे पास हो गया रूट 3 अपॉन 2 एल, ये आपको समझ आ गया इतना, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए है, ये 30 डिग्री के केस के लिए है, ये मेरे पास है 60 डिग्री के केस के लिए, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है अभी तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, चेंज इन हाइट निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, चेंज इन हाइट, क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा एच, जो हो जाएगा मेरे पास रूट 3 अपॉन 2 एल माइनस एल अपॉन 2, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एल अपॉन 2 कॉमन, और ये हो गया रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रूट 3 माइनस 1 एल अपॉन 2, और बस ये आ रहा है डेल्टा एच, ये हमने क्यों देखा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम एंगल पे क्या होगा, जो हाइट होगी और जो थोड़ा कम एंगल पे होगी लेट्स से जो 30 डिग्री, तो उस पर आप हाइट देखेंगे, डिफरेंस देख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस पे ज़्यादा एनर्जी है,
जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर फिर टेंशन लगे इस चीज में उसको फिर हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर चेंज इन हाइट को लेके आया हूँ। अब देखिए चेंज इन हाइट आ चुका है, और हाइट आ गया तब ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ PE। ये बस क्या होता है डेल्टा यू हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना mg होगा, mg बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉब है वो यहाँ पर भी आएगी, जब ये बॉब यहाँ पर आएगी तो इस पर mg, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, कैपिटल एच लगेगी, और यहाँ पर जब आएगी तो इस पर जो हाइट लगेगी, वेट लगेगा इसका mg और स्मॉल एच होगी, यही तो होगी। तो ये यहाँ पे हम mg लिख रहे हैं, और देखिए कैपिटल एच और स्मॉल एच इनका दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और वो हमने पहले निकाली, तो ये डेल्टा एच हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो रहा है मेरे पास mgL/2 इंटू मैं √3-1, तो ये मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है। इतना आपको समझ आ रहा है? अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो कोई एक्सटर्नल यहाँ पर फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पर वो क्या रहा है एक्चुअली में, आपका जो भी हाइट में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से जैसे आप अगर हाइट चेंज हो रही है, हाइट अगर कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल में। यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का ही फंडा चल रहा है, कोई और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, वो सीधा सीधा जो चेंज है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से ही हो रहा है, या फिर दोनों के चेंजेस बराबर हैं, क्योंकि हमें पता है नेट एनर्जी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है किसी भी एक बॉडी की, किसी भी एक सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता है भैया, एक फैक्ट और हमें पता है, वी नो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम पॉइंट्स में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉइंट्स में क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। आपको समझ आ रहा है? तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप नोटिस करेंगे तो वो किसकी वजह से है, वो हमने देख लिया था, विल बी ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली। क्योंकि हमें पता है भैया, अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई लॉस होगा तो उतना ही गेन काइनेटिक एनर्जी में होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस हो रहा है तो उतना ही गेन पोटेंशियल एनर्जी में होगा, तभी नेट जो एनर्जी होगी वो होगी कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, हाफ mv स्क्वायर, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने v ले ली वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू mgL/2 और ब्रैकेट में हो गया √3-1। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट नहीं, किसी भी एक पॉइंट के लिए देख रहे हैं वेलोसिटी। तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी मिल रही है v² = lg√3-1, तो मुझे वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ से मिल गया किसी भी एक पॉइंट पे, ये मुझे मिल गई वेलोसिटी का स्क्वायर। आपको समझ आ रहा है इतना? अब देखिए, अब दोबारा से डायग्राम पे लौटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास क्या है, ये सेंटर है, इसको देखें तो ये भी सेंटर है। अगर मैं इसको देखूं तो पूरा एक मोशन करेगा, इस तरह से पूरा एक मोशन करेगा, तो यहाँ पर एक ऐसी तो फोर्स होगी जो कि इस स्ट्रिंग को, और ये जो स्ट्रिंग में जो है, ये स्ट्रिंग है, इसके साथ जो मास है इसको अटैच रख रही है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो होगी जो कि इस मास को इस स्ट्रिंग से अटैच करके रख रही है। अब यहाँ पर वो कौन सी फोर्स होगी, क्योंकि इसका एक पूरा सर्कुलर मोशन भी हो रहा है ना, पूरा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, लेकिन अगर हम अलाउ करें तो पूरा भी रोटेट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक फोर्स है, और एक वो है, वो वाली कौन सी फोर्स है, वो होती है बस एक इमेजिनरी फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो कि किधर लगेगी, जो कि लगेगी इधर जिधर टेंशन लग रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहती है, और वही एज अ टेंशन यहाँ पर हमारे पास यूज हो रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, वो टेंशन के ही रूप में यहाँ पर अप्लाई हो रही है, और वही टेंशन हमें स्ट्रिंग में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बस कौन सी फोर्स आ रही है, इमेजिनरी फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो कि टेंशन के रूप में हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ रहा है? तो चलिए अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है भैया, ये लग रही है भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये एक इमेजिनरी फोर्स होती है, इसका कोई एज इट इज कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखती है आप सर्कुलर मोशन में, या फिर यहाँ पर आपको टेंशन दिख रही होगी, वो टेंशन हो या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हो, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही वजह से आती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये उसी के फोर्स का अलग से नाम हम कह देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बस क्या हो जाएगा, mv² / r, क्योंकि हमें पता है सर्कुलर मोशन में क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला mv² / r होता है रेडियस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या है, l के बराबर। तो mv² / l इज इक्वल्स टू m × lg √3-1/l। ठीक है,
एल से एल लौट गया, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी बी स्क्वायर की तरफ से, तो यहाँ से एम जी ब्रैकेट में हो गया रूट थ्री माइनस वन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल चुकी है, वो कितनी हो गई एम जी ब्रैकेट में कितनी हो गई रूट थ्री माइनस वन, यहाँ तक समझ आ गया ठीक है। अब देखिए वेट की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या फिर जिसको हम कह रहे हैं टेंशन, ध्यान रखना है टेंशन है, यही वो टेंशन है। तो देखिए टेंशन को कोई तो बैलेंस आउट कर रहा होगा इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये जो बॉडी है वो स्टेबल होगी वहां पर। अगर ऐसा हुआ कि एक तरफ ही फोर्स लग रही दूसरी तरफ कोई फोर्स ही लग रही, तो वो फोर्स अपनी तरफ बॉडी को खींच लेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें डायग्राम में एक बार, देखिए फ्रेंड्स इसमें देखिए अगर इस पर कोई यहाँ पर एम जी नहीं लग रहा, इसका कोई अगर वेट नहीं लगेगा और इसमें यहाँ पर एक ही फोर्स लग रही है इधर तरफ, तो क्या होगा इस मास को ऊपर खींच लेगा, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर भी कोई ना कोई फोर्स होगी, वो क्या होगी इसका वेट होगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा। जिस डायरेक्शन में ये जो टेंशन लग रही है ना यहाँ पर जो भी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखी थी उसी के जस्ट अपोजिट रहेगी और रेडियली आउटवर्ड रहेगी ये एम जी का वेट, जिससे कि ये दोनों आपस में बैलेंस आउट करके रखेंगे और ये जो मास है वो स्टेबली अपना सिंपल पेंडुलम का मोशन है उसको कर रहा होगा ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास एम जी इसका वेट लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर बस क्या हो गया वेट ऑफ बॉब, बॉब था जिसका मास एम था वो कितना हो गया एम जी और रेडियली आउटवर्ड, बता दिया रेडियल आउटवर्ड क्या मतलब है जस्ट अपोजिट होगा उस टेंशन की, जिससे कि उसको बैलेंस आउट करके रखेगा, जिससे कि जो मास है जो बॉब है वो अपने पोजीशन में स्टेबल रहेगा लेकिन मोशन करता रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ए एम जी है ठीक है, एम जी का यहाँ पर एज इट इज एम जी तो लगेगा नहीं, एम जी का यहाँ पर कोई कॉम्पोनेंट होगा तो हम कॉम्पोनेंट देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका जो वेट है हमें पता भी है, वेट्स बिल्कुल वर्टिकली नीचे लगता है इस तरह से, क्योंकि ग्रेविटी क्या है नीचे लगती है ऐसे ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि भैया इसके इस तरफ से ऐसे कॉम्पोनेंट्स ये इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा बस ये 30 डिग्री था ना, तो ये यहाँ पर इसके बिल्कुल इस तरह से था तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या होगा ये यहाँ पर हमारा जो एंगल आएगा वो एक्चुअली में क्या होगा, ये जो यहाँ पर कॉम्पोनेंट होगा वो होगा एम जी कॉस ऑफ 30 डिग्री होगा ठीक है, और इसका जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा एम जी साइन 30, लेकिन इसके हमें जरूरत है नहीं, हमें क्या है हमें ये वाला देखना। तो ये और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, मैंने जो एम जी बताया था ना वो आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो एम जी बिल्कुल वर्टिकली इस तरह दिखता है, सो कॉम्पोनेंट यहाँ पर एम जी कॉस 30 रहेगा, ये आपको समझ आ रहा है ठीक है। तो यहाँ से बस क्या हो गया इसका जो एक्चुअल कॉम्पोनेंट होगा वहाँ पर जो बैलेंस आउट इसको करेगा वो होगा एम जी कॉस ऑफ 30 डिग्रीज ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखू तो ये हो गया मेरे पास एम जी कॉस 30 होता है रूट अप 3/2, तो यहाँ से मेरे पास वेट हो गया बॉब का इतना। अब हमसे जो पूछा गया था टेंशन इन स्ट्रिंग, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा टेंशन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग अगर हम देखें तो क्या होगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी रूट 3 माइनस 1 माइनस एम जी रूट 3/2। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एम जी एम जी मैं कॉमन ले लेता हूँ, रूट 3 माइनस में रूट 3/2 हो गया, रूट 3 माइनस में रूट 3/2 और माइनस 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एम जी रूट 3/2 माइनस 1। तो यहाँ से जो ये मुझे मिल रहा है ना, यहाँ से मुझे मिल रहा है ये ग्रेटर देन एम जी कॉस ऑफ 30 डिग्रीज ठीक है, ये तो बस आंसर आ गया। लेकिन एक बार इसको हम डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको समझ नहीं आया होगा, इसको एक बार डायग्राम पे आके समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए वेट है, वेट इसके यहाँ पर लग रहा है नीचे तरफ और टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये पूरा इस तरह से चलता है ठीक है। अगर वेट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये बॉब है ना इसमें से टूट जाएगी स्ट्रिंग से और नीचे निकल जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि टेंशन थोड़ी सी ज्यादा रही, ज्यादा नहीं मतलब एम जी जो कॉस 30 यहाँ पर जो लग रहा है ना इससे थोड़ी सी ज्यादा रही, तो क्या होगा ये पूरा सर्कुलर मोशन अच्छे से कर पाएगी और जो ये जो ऊपर बॉब है ना इससे हल्के से अच्छे से बंधी होगी, पूरा सर्कुलर मोशन अच्छे से कर पाएगी जो इधर नीचे ये करती है अपना ऑसिलेशन। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास टेंशन है ना वो एम जी कॉस 30 से बड़ी होगी, एम जी कॉस 30 से बड़ी होगी, ये आपको ध्यान रख रहा है फ्रेंड्स ठीक है। तो इसका हमारा जो ये आंसर है वो करेक्ट आ चुका है, टेंशन इज ग्रेटर देन एम जी कॉस 30। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते सॉल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए बड़ा छोटा करना है, जल्दी से इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय टाटा।